भारतीय रेसलर विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में शानदार प्रदर्शन किया था। विनेश 50 किलो कुश्ती स्पर्धा में फाइनल में पहुंच चुकी थी, हालांकि फाइनल से पहले उनका वजन 100 ग्राम अधिक पाया गया, जिसके चलते उन्हें डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया। विनेश फोगाट ने खुद को अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट CAS में अपील की और मांग की कि उन्हें संयुक्त रजत पदक दिलाया जाए। हालांकि CAS ने स्टार रेसलर विनेश फोगाट की अपील खारिज कर दी। वहीं अब रेसलर विनेश फोगाट 17 अगस्त शनिवार को पेरिस से अपने देश भारत वापस लौट चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर विनेश को रेसलर साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने रिसीव किया। एयरपोर्ट पर कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उनका स्वागत किया। विनेश अब दिल्ली से अपने गाँव बलाली जाएंगे। विनेश की स्वदेश वापसी को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें, गाँव वाले विनेश फोगाट के स्वागत के लिए काफी उत्साहित हैं। वहीं विनेश फोगाट वतन वापसी के बाद काफी भावुक नजर आए। भारतीय पहलवान विनेश फोगाट ने कहा, मैं सभी देशवासियों का धन्यवाद करती हूं, मैं बहुत भाग्यशाली हूं। विनेश के स्वागत में बलाली गांव में लड्डू समेत कई पकवान बन रहे हैं। विनेश के सम्मान में गांव के खेल स्टेडियम में आज 17 अगस्त को कार्यक्रम भी आयोजित किया जाना है। विनेश की मां प्रेमलता फोगाट ने कहा, हम खुश हैं, पूरा देश उसकी खूब तारीफ कर रहा है। मेरी बेटी ने देश के लिए अच्छा प्रदर्शन किया है, वह इस बार स्वर्ण पदक की दावेदार थी, पूरा गाँव उसकी तारीफ और स्वागत के लिए इंतजार कर रहा है। वहीं रिश्तेदार लड्डू भी बना रहे हैं। विनेश ने डिस्क्वालीफाइड होने के बाद कुश्ती से संन्यास लेने का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने अब रिटायरमेंट से वापसी के संकेत भी दिए। विनेश ने एक इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, हो सकता है कि अलग अलग परिस्थितियों में मैं खुद को 2032 तक खेलते हुए देख सकूं, क्योंकि मेरे अंदर संघर्ष और कुश्ती हमेशा रहेगी। मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकती कि मेरा भविष्य क्या होगा, लेकिन मुझे इस यात्रा का इंतजार है। मुझे यकीन है कि मैं जिस चीज में विश्वास करती हूं और सही चीज के लिए हमेशा लड़ती रहूंगी। खबरी चौखट की रिपोर्ट।